अग्निपथ योजना का विरोध देखते हुए अलर्ट किया गया। सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। तो जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है, इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। तो सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। तो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जिस तरीके से अभ्यर्थी काफी आक्रोशित दिख रहे हैं और हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा है जगह जगह पर। तो अलग अलग जिलों की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो कहीं गाड़ियां जहां तहां तोड़फोड़ की जा रही है। केंद्र सरकार की नई नीति अग्निपथ को लेकर सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों का बिहार के कई जिलों में हंगामा जारी है। आरा और बक्सर में हंगामा काफ़ी हो रहा है और रेलवे ट्रैक जाम है और जम करके तोड़फोड़ की जा रही है। इस समय यह पटना जंक्शन का नज़ारा है, आप देख सकते हैं हजारों यात्री फंसे हुए हैं पटना जंक्शन पे। और चूंकि न तो कोई ट्रेन आ रही है न कोई ट्रेन जा रही है, लगभग 3 घंटों से ये पूरी स्थिति बनी हुई है। हालात काफ़ी ख़राब हैं आरा में और बक्सर में और पटना जंक्शन पर, इसका साफ असर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ श्रमजीवी एक्सप्रेस पटना में आके लगी हुई है और इस श्रमजीवी एक्सप्रेस का पटना से खुलने के समय 10:50 है, लेकिन लगी हुई है। दर्जनों गाड़ियाँ जहाँ तहाँ फंसी हुई हैं और एक भी गाड़ी नहीं आ रही है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये नज़ारा है पटना जंक्शन का, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का नज़ारा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या हालात हैं, किस तरीके के हालात हैं। और बक्सर और आरा में जो स्थिति हो रही है उसके कारण हालात काफ़ी ख़राब बने हुए हैं। पूरा पटना जंक्शन बिल्कुल पब्लिक, आप देख सकते हैं लोग भरे हुए हैं क्योंकि एक भी गाड़ियां नहीं जा। कहाँ जो यात्री है वो परेशान है और दर्जनों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, आरा बक्सर दर्जनों गाड़ियाँ फंसी हैं, एक भी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, जिसके कारण काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आरा और बक्सर में जो हालात बने हैं उस हालात के कारण पटना जंक्शन पर बिल्कुल यात्रियों की भारी भीड़ जमा है और लगभग 2 से 3 घंटे से पूरी तरह से अप एंड डाउन लाइन ठप है और कई गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं। पटना जंक्शन पर यात्री ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन पता नहीं।